गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ द विजडम स्कूल। बेटे, आज मैं आपको चैप्टर 3 की रिवीजन करवाऊंगी। उसमें मैंने सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग करवाए हैं, उसके बाद आपको श्रुतलेख करवाए हैं और फिर आपको मौखिक क्वेश्चन करवाए हैं। सबसे पहला मौखिक क्वेश्चन है, राजा विक्रमादित्य किसे विद्वान कहते हैं? किसे कहते हैं? महाकवि कालिदास को। फिर है, किसका फैसला बाद में होगा? सुंदर रूप का। ठीक है, इसके बाद आपको सही के सामने, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। सुंदर रूप किसने दिया होता? ईश्वर ने। जीवन का आधार क्या है? ठंडा पानी। फिर है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महाकवि के अनुसार गर्मी से राहत हमें कैसे मिलेगी? सुराही का ठंडा पानी पीने से। फिर है प्रश्न ख, किसने सोने की सुराही रखवाई थी? महाकवि कालिदास ने। फिर है ग, महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य को क्या समझाना चाहते थे? कि रूप बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता है। फिर है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि गुणों की पूजा करना, ना कि सुंदर रूप की। इसके बाद पेज नंबर 24 पर जो वाक्य जिसने कहा और उसके चित्र से आपको मिलाना है। सबसे पहला वाक्य है आपका, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा था है? ये किसने कहा था? महाराज विक्रमादित्य ने। फिर है, महाराज वह मूर्ख मैं ही हूँ, ये किसने कहा था? महाकवि कालिदास ने। फिर है, महाराज ऐसी सुंदरता किस काम की? ये भी वाक्य किसने कहा था? महाकवि कालिदास ने। इसके बाद, महाराज क्षमा कीजिएगा, वही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था, ये किसने कहा था? महाकवि कालिदास ने। इसके बाद भाषा ज्ञान में है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर आपने शब्द बनाने हैं। आपको उल्टे पुल्टे शब्द दिए हैं, आपको उसको सही क्रम में लिखना है और शब्द बनाने हैं। पहला शब्द है आपका बिल्कुल, दूसरा सुराही, आराम और राजन। फिर है प्रश्न 2 भाषा ज्ञान का ही, इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? ईश्वर या भगवान? भगवान। फिर है फैसला या निर्णय? फैसला। जगह या स्थान? जगह। और फिर है सेवक या नौकर? नौकर। पानी या जल? पानी। काम या कार्य? काम। इसके बाद है शब्दों को का क्रम सही करके, शब्द आपके शब्दों का क्रम सही नहीं है, आपको शब्दों का क्रम सही करके पूरा सेंटेंस बनाना है, पूरा वाक्य बनाना है। सबसे पहला है, ठंडा पानी ही जीवन का आधार है। दूसरा है, महाराज अभी चलता हूँ। तीसरा है, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। चौथा है, किस मूर्ख ने यहाँ सोने की सुराही रखवाई थी? फिर है पेज नंबर 25 पर आपके, कि आपको एक चित्र कथा के अनुसार राजा विक्रमादित्य कहते हैं, कुछ विक्रमादित्य के संवाद दिए हैं, डायलॉग दिए हैं, उनको आपने पूरा करना है। 2 आपके बॉक्स दिए हैं, दोनों में आपने जो हेल्प बॉक्स है उसमें जो शब्द है उनकी सहायता से सेंटेंस पूरा करना है। दीदी दीदी यह बतलाएं, जल बिना जीवन कैसे सुना? और दूसरे वाले हेल्प बॉक्स में होगा, हम ना होते यदि धरा पर, बोलो तुम क्या पीती? और बिना हमारे बहना तुम पल भर कैसे जीती? तुम ना होती जीवन ना होता, बर्फ ना बनती बर्फ फिर कैसे? कागज़ की नाव कहाँ तैरती? सब कुछ लगता सूना सूना। ओके बेटा, यहाँ तक आपने अच्छी तरह से अपना जो काम है वो नोटबुक पे करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।